हमको किसी का अब तो डर नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, ओहो, हमको किसी का अब तो डर नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, ओहो, यीशु है सच्चा गडरिया। ना 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 वेलकम बैक टू द अदर 167। आई एम वंदना एंड आई ब्रिंग यू ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आवर ट्रू लिविंग गॉड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और दुआ कर रहे हैं। और आजकल आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर रहे हैं? कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत डरा रही है? सो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सच्चा गडरिया है यीशु। Jesus is with us and he's already promised us कि he is never going to leave you and forsake you। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तो मेरे साथ रहता है। He is with us। हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो आपकी, कोई भी सिचुएशन हो, आपको किसी भी बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज हमारे बीच आ रहे हैं पास्टर राजेश यादव, जो हमें इसी बात को समझाएंगे। सो वेलकम पास्टर राजेश यादव। सभी को जय मसीह शालोम। इस 167 में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, इसके लिए आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो। हालेलुया। दोस्तों, बाहर का मंजर काफ़ी डरावना हो गया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत सारे लोगों की जो बिजनेस है वो ठप हो गए हैं, और लोगों को पता नहीं आगे क्या होने वाला है। वो कंफ्यूज है अपने बच्चों के बारे में, आगे क्या होने वाला है। बल्कि इस परिस्थिति में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपने विश्वास में अटूट बन सकते हो, अपने विश्वास में निडर बन सकते हो। इस वक्त मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। ये मौका है, ये दिन है जहाँ पर आप परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं। दोस्तों, जब दूसरा लॉकडाउन हुआ था, मैं कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर चला गया था, और बाहर जैसे ही निकला तो एकदम सुनसान था। बाहर कोई गाड़ियाँ नहीं थी, कुछ थोड़े ही लोग दिखाई दे रहे थे। खैर, मैं वो सामान लेने पहुँचा और वहाँ पर गया तो बहुत अकाल जैसी परिस्थिति थी। वहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं थी, कोई लोग नहीं थे, बहुत थोड़े लोग थे। और जिस जगह पे गया वहाँ पे हमेशा म्यूज़िक बजता था, वहाँ पे म्यूज़िक भी नहीं था, एकदम सुनसान था। बल्कि मैं अंदर चला गया और मैं एक गाना गुनगुना रहा था। वो गाना गुनगुनाते हुए मैं अंदर चला गया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं जा रहा था अंदर। मेरे चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, और जिस वक्त मैं अंदर जा रहा था उस वक्त मैं मेरा काम भी कर रहा था कि सब सामान डाल रहा था। बल्कि एक कपल जो मुझे लगातार देख रहे थे, और मैं भी वो लोग सोचते रहेंगे कि ये बंदा किस तरह से गाना गा रहा है, यहाँ पे इतना सब लोग टेंशन में और ये गाना गाते जा रहा है। और मैं गीत गा रहा था, धन्यवाद दो परमेश्वर को, धन्यवाद दो, और उस तरह से मैं जा रहा था। और जाते 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 मैं उनके थोड़े से करीब आ गया सामान लेते लेते, और मुझे कहीं से छींक आ गई, और मैं ज़ोर से छींका, छी। और जैसे ही मैंने छींका, वो लोग डर के मारे दूसरे तरफ चले गए। उनको लगा कि इसको वायरस तो नहीं है। ये इसलिए है, बाहर का मंजर इस तरह से ही हो गया है। लोगों के मन में, लोगों के जहन में डर बैठ गया है। उनको लगता है कोई किसी में भी वो वायरस हो सकता है, और उस डर के सहारे जी रहे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उस डर के सहारे में मत जियो। आपके अंदर कौन है? आपके अंदर प्रभु यीशु है। आप विश्वास करो, मेरे अंदर जो है वो महान है, और जो इस पृथ्वी में उससे भी बढ़कर वो मेरे अंदर है। दोस्तों, मैं एलिया की किताब से मैं आपसे बात करने वाला हूँ, किस तरह से एलिया ने प्रार्थना किया और उस देश सामरिया देश में 3.5 साल तक बारिश नहीं आई थी, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर प्रार्थना किया था और बोला था कि ये देश में बारिश नहीं होगा। 3.5 साल तक बारिश नहीं आया था। एलिया को परमेश्वर प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं कि जा इस देश में जाके बता और कि अब बारिश आने वाला है।
हम एलिय्याह की किताब से हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास में बाइबल है तो आप खोल सकते हैं एक राजाओं की किताब, इसका 18वां अध्याय का 41 वचन में इस तरह से लिखा है, 41 वचन से इस तरह से लिखा है, फिर एलिय्याह ने आहाब से कहा, उठकर खा पी क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। अब आहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि के देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। हालेलुया। उसे 7 बार कहा, एलिय्याह ने उसके दास को 7 बार कहा। और एलिय्याह उस वक्त क्या कर रहा था? सिर्फ प्रार्थना कर रहा था। उस वक्त वो प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते हुए उसके दास को बोल रहा था, जा देख तुझे क्या दिखता है। और वो पहले बार गया, देखा कि कुछ नहीं है, वो फिर से लौट के आया, एलिय्याह को बोला कुछ नहीं है। फिर से एलिय्याह घुटनों पे आकर प्रार्थना करने लगा और वो कुछ नहीं आया। दूसरे बार भेजता है, तीसरे बार भेजता है, चौथे बार भेजता है। सोचिए 5वें बार क्या क्या किस्सा हो गया रहेगा। 5वें बार बोलने वाला भी थक गया होगा और सुनने वाला भी थक गया रहेगा। तो भी एलिय्याह ने विश्वास कम नहीं दिखाया, उसने हार नहीं माना, उसने फिर से बोला, जा देख क्या दिखाई देता है। 7वें बार उसका दास बोलता है कि हाथ मनुष्य के हाथ के जितना बादल आ रहा है। और उसको देखते हुए एलिय्याह बोलता है, जी हाँ अब बारिश आने वाला है। और उसके बाद में बहुत जोरों से बारिश आ जाती है। ये किस्से से हम क्या सीखते हैं? हमें हार नहीं मानना है। परिस्थिति कोई भी होने दो, मुकाम कुछ भी होने दो, हमें कभी हार नहीं मानना है। हम कंफ्यूज रहेंगे, हमारा बिजनेस ठप हो गया रहेगा, हमारा काम निकल गया रहेगा, जो भी परिस्थिति होने दीजिए, बल्कि उस परिस्थिति में जो हम निडर होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलते हैं, परमेश्वर हमारे लिए एक नया द्वार खोलते हैं। हमें डरना नहीं है दोस्तों, हमें पीछे नहीं हटना है, बल्कि निडर होकर हमें उस चीज़ का सामना करना है और प्रार्थना करना है, परमेश्वर से मांगना है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। मैं आपके लिए एक शायरी कहना चाहता हूँ। इस शायर ने इस तरह से लिखा है, मेरे हिस्से से ज़्यादा मेरे थाली में तूने परोसा है, मेरे हिस्से से ज़्यादा मेरे थाली में तूने परोसा है, कितनी भी मुश्किल आता है मुझे सिर्फ तुझ पर भरोसा है, कितनी भी मुश्किल आता है मुझे सिर्फ तुझ पर भरोसा है। दोस्तों क्यों ना हम उस यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करें, उसके ऊपर इस तरह से भरोसा करें कि परमेश्वर हमारे लिए एक नया द्वार खोलेगा, परमेश्वर हमारे लिए नया द्वार खोलेगा। दोस्तों इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, डरो मत, यीशु मसीह आपके लिए मार्ग खोलेगा, यीशु मसीह आपके लिए नया द्वार खोलेगा। क्यों ना मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ, खास करके जो लोग कन्फ्यूज हैं, जो लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु उन्हें आप छू लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जो भी डर है उसे यीशु के नाम से निकाल दीजिए, प्रभु आपके सामर्थ्य से भर दीजिए। पवित्र आत्मा आपको हम दावत देते हैं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु हर एक असंभव को संभव कर दीजिए पिता यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप छू लीजिए प्रभु। और प्रभु हम पर हमें पूरा आप पर भरोसा है, ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। विश्वास में स्थिर रहो और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल द अदर 167। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यीशु को जान पाएं, यीशु के करीब आ पाएं और लाइफ ऑफ अबंडेंस जी पाएं, लाइफ ऑफ एवरलास्टिंग लाइफ उनको मिल पाए। ये बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में भी पता चले। आप हमें लिखें, हमसे बात करें, हमें कॉन्टैक्ट करें और आपकी अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं, टेस्टिमनीज हैं, वो भी आप हमसे शेयर कीजिए। May God bless you.